नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सिंगरौली जिले में 30 से 5 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के द्वारा जिले में दिनांक 30 जुलाई 2020 को रात्रि 8 बजे से दिनांक 5 अगस्त 2020 को प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण जिले के टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिला की सीमा क्षेत्र के अंदर आवागमन व नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय कार्यालय, राजस्व, पुलिस, बैंक, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवा लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर आवश्यक रूप से घर के बाहर निकलना नहीं है। आवश्यक सेवाओं में समस्त शासकीय अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर, डेयरी की दुकान है। जिले में सिर्फ दूध की बिक्री होगी। घर घर दूध पहुंचाने की सेवा, समाचार पत्रों का प्रातःकालीन वितरण, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं लॉकडाउन आदेश से मुक्त रहेगा। साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशन का पालन करना अनिवार्य है। सिंगरौली से भारत न्यूज संवाददाता कंचन द्विवेदी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा जिले में 30 जुलाई को रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जिला स्तर से जो निकाली गई है उनका अक्षर से पालन करें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जाता है उसमें विधि अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।